तो अप अंटिल नाउ हम देख चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड देन रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, सिंपल जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम देख चुके हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स न्यू कॉन्सेप्ट्स. व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस? जैसे नाम से जाहिर हो रहा है, इट इज इंटरनल, यानी किसी भी ईएमएफ सोर्स के अंदर जो खुद की रेजिस्टेंस है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. वी डिफाइन इट एज द इननेट प्रॉपर्टी ऑफ ईएमएफ सोर्स टू रेजिस्ट करंट. ये जो एप्सिलॉन या फिर ई इक्वल्स टू वी टी प्लस आई आर, जिनमें इसमें जो स्मॉल आर है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, एप्सिलॉन या फिर ई है दैट डिनोट्स ईएमएफ, वी टी इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, आई इज द करंट एंड आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. इससे हमें पता लगता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वी टी जो है दैट इज लेस देन ईएमएफ, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस. इट इज प्रेजेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट इट सेल्फ, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो केमिकल है, इसके अंदर अपनी जो नेट प्रॉपर्टी है टू रेजिस्ट चेंज इन करंट, इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस. ई एम एफ इक्वल्स टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो. जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये पार्ट जीरो हो जाए तो ये दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये इक्वल हो जाएंगी. यहाँ पे जो ई एम एफ सोर्स है इसकी अपनी जो रेजिस्टेंस है इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस. And what is electrical power? When current passes, some of its energy is transferred to ions, increasing their amplitude of vibration and thus temperature. यानी किसी भी कंडक्टर में से जब करंट पास करती है तो उसकी कुछ जो एनर्जी या पावर होती है वो आयन्स में ट्रांसफर हो जाती है. जो न्यूक्लियाई होते हैं वो वाइब्रेशन उनकी बढ़ जाती है, इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है. दिस इज कॉल्ड जोल थॉम्पसन इफेक्ट. तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? पी इक्वल्स टू आई वी, यानी करंट जो है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इनका प्रोडक्ट है. अब डिफरेंट केसेस में इसका फॉर्मूला को हम चेंज कर सकते हैं. अगर सीरीज में है तो उसमें हमें पता है करंट कांस्टेंट होती है, तो वी की जगह आई आर लगा लें तो आई स्क्वायर आर पावर होती है. पैरेलल के अंदर या फिर जो रेटेड पावर होती है दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर. इसमें हम फिर डिपेंड करता है कि सर्किट कौन सी है, फिर हम फॉर्मूला उस हिसाब से लगाते हैं. Then what is dissipated heat? Simple है कि heat जो है that is since it is equal to work done, तो power को time से multiply कर देंगे, यानी power I V multiply by time equals to the heat dissipated. Series में again I square R T हो जाएगा, parallel में V square over R को T से multiply कर देंगे, it is equal to V square T over R. इसका unit है electrical energy का commercial unit that is kilowatt hour. लेकिन जो पावर है इसका यूनिट किलो वाट है, टाइम का यूनिट हम लेते हैं वो आवर्स में लेते हैं, क्योंकि सेकंड्स में कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट या फिर अनकन्वेंशनल हो जाता है. सो वी टेक किलो वाट आवर्स एज द स्टैंडर्ड कमर्शियल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट. इज अ प्रॉब्लम. अ सर्किट इज सच दैट इट्स करंट इंक्रीजेस टू टाइम्स, हाउ मच डज द पावर डिसिपेशन इंक्रीज? टू टाइम्स, फोर टाइम्स, हाफ या फिर रिमेन्स द सेम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फोर टाइम्स. जैसे कि हमने बात की है कि पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो आई स्क्वायर के साथ का रिलेशन है. करंट दो टाइम्स बढ़ी है तो पावर चार गुना बढ़ जाएगी, इट इंक्रीज फोर टाइम्स. व्हाट इज मैक्सिमम पावर? यानी हम किसी अप्लायंस की अगर मैक्सिमम पावर लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इट इज मैक्सिमम व्हेन स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर. यहाँ पे स्मॉल आर जो है दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ सोर्स, कैपिटल आर इज द लोड रेजिस्टेंस, यानी जो हमने अप्लायंस लगाई है उसकी क्या रेजिस्टेंस है. तो अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी. इसका फॉर्मूला पी मैक्स इक्वल्स टू एप्सिलॉन स्क्वायर ओवर 4 आर. और ये एक ग्राफ बन रहा है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस है ये दोनों ये पावर है एंड हियर इज ए लोड रेजिस्टेंस. जैसे हम इसको बढ़ाते हुए इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर लाते हैं तो पावर मैक्सिमम हो जाती है. इससे पीछे या इससे आगे अगर हम लोड रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो पावर मैक्सिमम से कम हो जाती है इन बोथ डायरेक्शंस. एंड इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान
इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूलाज एम डी कैट में आते हैं उनको एक टेबल के फॉर्म में समराइज किया हुआ है. दैट इज ऑल अबाउट दिस स्लाइड. इन द नेक्स्ट स्लाइड हम किरचॉफ्स लॉ स्टार्ट करेंगे, केवीएल और केसीएल. थैंक यू.